ऊपर चले खड़ा हेलो गाइस, एके एस टेक्निकल सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे ड्रोन का अनबॉक्सिंग करेंगे। आप देख सकते हो ये ड्रोन लेकर आए आपके लिए, तो इसका आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका एक बार रिव्यू भी आपको बताऊंगा कैसा है कैसा नहीं है, और इसका जो कैमरे की क्वालिटी है वो भी आपको मैं एक बार दिखा दूंगा टेस्ट करके, और ये इसकी हाइट कितनी ऊंचा उड़ सकता है कितना नहीं उड़ सकता है ये आपको मैं वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, बॉक्स ओपन करने के बाद आपको इसमें देखने को मिल जाता है एक ड्रोन का बॉक्स। गाइस देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ इस प्रकार का ड्रोन है, अंदर से इसी प्रकार का ड्रोन दिखेगा जिस प्रकार से आपको पिक्चर दिख रहा है ड्रोन का, अंदर भी सेम ऐसी ड्रोन होगा। तो चलिए हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। गाइस देखिए, बॉक्स ओपन करने के बाद अभी आपको टू कॉपी मिल जाती है। इसके अंदर कुछ गाइडलाइन लिखी गई है कैसे उड़ाना है कैसे नहीं उड़ाना है, उसके बारे में कुछ डिटेल लिखा गया है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं, अंदर की साइड देखते हैं क्या क्या है। तो गाइस देखिए, आपको यहाँ एक ड्रोन देखने को मिल जाता है। गाइस देखिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्रोन, और साथ ही साथ इसमें एक रिमोट भी देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा रिमोट दिख रहा है इसमें। गाइस आप देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है ड्रोन, इसमें एक एंटीना भी है ये साथ में। बाकी इसे हम साइड में रखते हैं और ड्रोन निकालते हैं। गाइस देखिए ड्रोन किस प्रकार से अंदर रखा गया था। तो चलिए इसे हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, इस पंखड़ी को सीधा करने के बाद गाइस देखिए कुछ इस प्रकार का आपको ड्रोन देखने को मिलेगा। गाइस देखिए, इसके चारों पंखड़ी में लाइट जलता है नीचे की साइड, और क्या आप इसके साथ ही गाइस देखिए आपको ये चार मिल जाता है जो पंखड़ी के साइज में लगता है, जिससे कि जो पंखड़ी सेफ रहती है, कहीं आस पर टकराता भी है तो पंखड़ी टूटने का संभावना कम रहता है। और इसके साथ आपको एक एक्स्ट्रा पंखड़ी मिल जाती है, जो चार पंखड़ी होगी जो ये टूट भी जाता है तो आप ये लगा सकते हो, और एक ये इसमें USB केबल मिल जाता है साथ में। तो चलिए हम एक बार आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे चालू किया जाता है और कैसे मोबाइल से कनेक्ट किया जाता है। तो चलिए हम इसे एक बार चालू करते हैं, मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। गाइस देखिए, मोबाइल कनेक्ट हो गया है इस समय ड्रोन से। अब आपको एक बार उड़ा के दिखा देंगे, इसकी जो कैमरे की क्वालिटी है वो आपको हम दिखा देंगे कैसी है कैसी नहीं है, वो मुझे अभी भी नहीं पता, एक बार मैं चलाऊंगा तभी पता चलेगा कैमरे की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। एक बार हम रिमोट से भी कनेक्ट कर लेते हैं। गाइस देखिए, इसमें हम फ़ोन भी लगा सकते हैं, रिमोट के नीचे हम फ़ोन भी अटैच कर सकते हैं। स्टैंड दिया गया है, एक बहुत ही अच्छा स्टैंड है, इसमें हम फ़ोन भी अटैच कर सकते हैं रिमोट के साथ। गाइस देखिए, ड्रोन फोन से कनेक्ट हो गया, आप देख सकते हो इसमें से गाइस कैमरा चालू हो गया ड्रोन का। गाइस कुछ ही देर में थोड़ी देर में उड़ने वाला है ड्रोन हमारा। स्टार्ट कर,
थोड़ा सा उधर कर ले, कभी रस्सी में ना लग जाए। भाई ये तो कंट्रोल ही ना हो रहा बिल्कुल सही से। थोड़ा ऊपर कर, ऊपर रस्सी है, एक बार देख ले सही से। ये तो उधर ही भगता जा रहा है। काम करना है इसको, इसे तू यहीं कंट्रोल करना इतनी पे। और ये हल्का सा ऊपर उड़ाइए, तो वैसे आपने देख लिया होगा ड्रोन किस प्रकार से उड़ रहा था और जो इसके कैमरे की क्वालिटी आपको पता चल गया होगा कैसी है कैसी नहीं है। और ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था, ये मुझे लगभग 5000 के आसपास पड़ा था और इसे हमने 100 मीटर के आसपास ऊपर की साइड उड़ाया था और हमसे 100 मीटर दूर जा सकता है और 100 मीटर ऊपर भी उड़ सकता है ये आसानी से ये। और ये कंट्रोल करना इसका बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था, आपने वीडियो में देख लिया होगा कंट्रोल करना कितना टफ पड़ रहा था इससे फिर है, बट ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोल हो नहीं सकता, हम धीरे धीरे उड़ाए तो आसानी से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप परचेज करना चाहते हो तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इस वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसी वीडियो मेरे यूट्यूब पर रोजाना आती रहती है और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।